जादू से देखिए कैसी लग रही हूँ मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल अपने गुड़िया जैसी। एक दिन मैं अपने गुड़िया के तरह दुल्हन बनूंगी, आप मुझे विदा करोगे ना? दादू सर कहाँ खो गए? अपनी बहन को देख रहा हूँ। दादू सर, आप ठीक तो है ना? ये सरस दुल्हन के कपड़ों में तो क्या उमा बचपन में अपनी बहन को दिया वचन निभाने वाला है, इसकी शादी कराने वाला है? मतलब अब सरस सिरे का नहीं बनेगी? उमा ने अपना मन बदल लिया। सरस, तुम बिल्कुल अपनी गुड़िया की तरह लग रही हो। वही श्रृंगार, आज के त्याग के हिसाब से बिल्कुल दुल्हन की तरह। मतलब आज से पांचवें दिन सरस अपना सब कुछ त्याग कर सेविका बनेगी। उससे पहले इसे खुद से जुड़ा हर सपना, हर ख्वाहिश, हर आराम त्याग कर मन, आत्मा, शरीर की शुद्धि करनी है। उसकी शुरुआत आज के हवन से होगी। आज हवन कुंड की अग्नि में अपना हर सपना त्याग कर उसे अलग होना होगा। उमा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ना तुमसे, इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। तुम्हें सरस को हवन के लिए मंदिर लेकर जाना है। मैंने कहा था ना उमा कि मैं ये सब का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं नहीं देख सकती एक छोटी मासूम लड़की को अपनी सपनों की बलि चढ़ाते हुए, अपने रिश्तों की, अपनी भावनाओं की होली जलाते हुए। तुम्ही ने लिया था ना ये फैसला, तो तुम्ही क्यों नहीं चले जाते इसके साथ? दादू सर, आप परेशान मत होइए, मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे मेरे सपनों की आहुति देता देख नहीं देख पाएंगे आप, और अगर आप सब भी वहां पर होंगे तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं वहां अकेले ही जाऊंगी। सरस रुको, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं हवन की तैयारियां करता हूं, आप लोग मंदिर के पीछे से हवन की संध्या ले आइए। जी। पंडित जी ने हवन की लकड़ियां मंगवाई। आप? कहा था ना मैंने, जब तक आप मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती, जहां जहां आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। Thank you.
मुझे भी इस शहरी लड़के को देखकर हैरानी हुई थी। कल आया और बोला इसने मन्नत मांग रखी है, इसलिए मंदिर में सेवा करना चाहता है और कहता है जब तक इसकी मन्नत पूरी नहीं होगी ये लाडनू से नहीं जाएगा। वंश बेटा, हवन के लिए लकड़ियां छोटी छोटी लगेंगी, बस यही बताने आया था। जी। लगता है मासीसा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। लकड़ियां तैयार हो जाएं तो जल्दी लेके आ जाना। भगवान करे आपकी मन्नत पूरी हो जाए और आप लाडनू से खाली हाथ नहीं जाए। थैंक यू। वैसे मेरे और मेरी मन्नत के बीच अब ज्यादा दूरी नहीं है, बस ये समझिए कि ठीक मेरी आंखों के सामने है। मैंने कहा था ना आपसे, अब आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। 5 दिन बाद आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। नहीं सरस, बहुत जल्द आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जब आप खुद को मेरी दुल्हन बनते हुए देखोगे। आज से मेरे सारे सपने, सारी ख्वाहिशों को त्याग करने के दिन शुरू। आज से हमारी शादी की रस्में शुरू होने जा रही है। पहली रस्म हल्दी की। बधाई हो सरस। सरस एक सेकंड, इसको छोड़िए आपको लग जाएगी। दूर हटो मुझसे। बिल्कुल अपने भाई पे गई है, वहां से दी कहेंगी। अच्छा हुआ उमा, तुम भी यही हो। वो क्या है ना कि सरस आज अपने सपनों का त्याग करने गई है, तो मुझे लगा कि हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ये चूड़ियां कितने प्यार से इकट्ठा किए हैं ना सरस ने। बहुत शौक है सरस को चूड़ियों का। और तुम्ही ने तो कहा था कि जब भी तुम उसे मेले में लेकर जाते थे उसकी शॉपिंग लिस्ट में चूड़ियां जरूर होती थी, पर अब एक सेविका की जिंदगी में ऐसे श्रृंगारों की क्या जरूरत।
अब एक सेविका के लिए तो ये श्रृंगार भी वर्जित होगा। इनका यहाँ कोई काम नहीं। सेविका का तो माथा भी सूना, मांग भी सुनी। अब इनका यहां कोई काम नहीं है। एकदम टिपिकल लड़कियों वाले शौक है सरस के, रंग बिरंगे पर मैचिंग कपड़े। कौन सी ड्रेस के साथ कौन सा दुपट्टा पहनना है सब ढूंढ ढूंढ कर जमा किया है सरस ने। ऐसे लगता है कि सरस ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली है रंगों की, पर अब तो उसका रंगों से रिश्ता खत्म होने जा रहा है। अब तो बस एक ही रंग बचेगा उसके पास, सफेद। इसकी गुड़िया को तो भूल ही गए हम। अब ये कमरा बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, पर एक गड़बड़ है। इस गुड़िया पर ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं, सेविका वाले कपड़े जचेंगे। कैसी लग रही है गुड़िया? लग रही है ना बिल्कुल सरस की जैसी। बस करो कनक। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही हूँ कि अब बस भी करो। जब तुम इस गुड़िया को सेविका के रूप में नहीं देख पा रहे हो तो सरस को सेविका के रूप में कैसे देख पाओगे तुम? नहीं, नहीं देख पाऊंगा। पर धर्म को अपने हिसाब से ढाला नहीं जा सकता, बल्कि धर्म के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। धर्म अपनाने की सबसे पहली सीख होती है उसके प्रति निष्ठा। भले चाहे रास्ते में फूल आए या कांटे, पर धर्म के रास्ते से कभी हटा नहीं जा सकता। इसलिए मैं भी नहीं हटूंगा। मैं क्या करूं, कैसे रोकूं? कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी सा, सुमन,
ये किताबें भी उसी रद्दी के डब्बे में डाल दीजिए जहाँ सरस जी के सपने पड़े, क्योंकि इस घर में सपनों की वही जगह। क्या हुआ सुमन, तुम तो आगे पढ़ना चाहती थी ना? अब पढ़ने का क्या फायदा भाभी साहब, जब शिक्षा के पंख लगने के बाद भी अपनी मर्जी से उड़ने की आजादी नहीं दी जाती। सरस जीजी ने आज तक दादू साहब की एक बात तक नहीं टाली, कभी झूठ कपट नहीं किया, और इंसान तो छोड़ो, उन्होंने कभी भी किसी जानवर को तकलीफ भी नहीं दी, और इन सब अच्छाइयों के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? एक सेविका की जिंदगी जो किसी आत्महत्या से बढ़कर है, और इन किताबों से इस घर की लड़कियों का भाग्य तो बदलने से रहा। आज जो सरस जीजी के साथ हुआ है, कल को वो मेरे साथ भी हो सकता है, तो इसी डर में जीना। सुमन ऐसा कुछ नहीं है। सुमन कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे रोकूं इस गलत को। कृष्ण रुक्मिणी विवाह, विवाह में स्त्री की इच्छा एवं अनुमति अत्यावश्यक होती है। किसी ने सच ही कहा है, जब नियत सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।